बाथरूम में किस हाइट तक आपको टाइल्स लगानी चाहिए? जी हाँ, नमस्कार, मैं हेमराज मिनारे और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। टाइल्स की किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। आप जब मकान बनाओगे ना, तो मेरे इस चैनल पर ऐसे बहुत से वीडियो हैं जो आपके लिए बहुत काम आएंगे। आज बात करेंगे अपन बाथरूम और टॉयलेट जब आप बनाते हैं उसके अंदर अपन टाइल्स लगाते हैं। टाइल्स तो आपने देखा होगा कंपल्सरी है, लगाते हैं तो किस हाइट तक वो लगानी चाहिए? क्योंकि बहुत से कन्फ्यूज रहता है, 3 फीट तक लगाएं, 5 फीट तक लगाएं, 7 फीट लगाएं, या फिर पूरी दीवार तक, पूरा जो दीवार है वो छत तक अपन टाइल्स लगाएं, या 10 फीट की, 11 फीट की, जो भी आपकी हाइट हो उसके ऊपर। आज पूरा कन्फ्यूज आपके सामने दूर करने वाला हूँ। आपने बहुत सी जगह पे तो स्टेयर केस के नीचे टॉयलेट बना हुआ देखा होगा, बाथरूम बना हुआ देखा होगा, जिसकी हाइट मात्र 6 फीट रहती है या फिर 5 फीट रहती है। तब एक कन्फ्यूज पैदा होता है कि टाइल्स किस प्रकार से लगानी चाहिए। आपने 3 फीट तक टाइल्स लिया तो वहां पर कौन सी टाइल्स लगानी चाहिए? अगर आप 5 फीट तक टाइल्स लगा रहे तो वहां कौन सी टाइल्स लगानी, और 7 फीट टाइल्स लगा रहे तो वहां कौन सी लगानी चाहिए, और वास्तव में टाइल्स कितने फीट तक आपको सफिशिएंट रहेगी वो कितने, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये आप टाइल्स देख सकते हैं, ये जो मेरा डिस्प्ले है ना, ये 6 फीट का डिस्प्ले है। आप देखिए अच्छे, सभी प्रकार की जो कैसेट है मेरे अंदर, 6 फीट की डिस्प्ले कैसेट है। इसके नीचे से आप देख सकते हैं 2 फीट जो लगा रखा है, ये डार्क लगा रखे हैं। ये देखिए 2 पीस है, ये 18-12 के, 1/1.5 के पीस है, यहाँ एक अलग पीस है और यहाँ से 2, ये 2 पीस लगा रखे हैं। 2 पीस हाईलाइटर के लगाए हुए हैं और 2 पीस लाइट के लगाए हुए हैं। ये इस प्रकार सेटअप किया हुआ है। ये 6 फीट है, 7 फीट के अंदर अपन क्या करेंगे, नीचे वाला एक डार्क और बढ़ा देंगे तो ये 7 फीट हो जाएगी। अगर 8 फीट है तो फिर अपन क्या करेंगे, लाइट का एक और पीस बढ़ा देंगे, 6 नीचे ऊपर हो गया, 6 नीचे हो गए और 2 बीच में हाईलाइटर हो गए, तो ये 8 फीट हो गई। तो इस प्रकार से आप सेट कर सकते हैं। अगर आपका स्टेयर केस के नीचे अगर आपका टॉयलेट हो या फिर बाथरूम हो, कम हाइट वाला हो, या फिर स्टेयर केस नीचे से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है, तो आप उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको प्लेन टाइल्स लेना होगा। उसके अंदर कोई किसी प्रकार की डिजाइन नहीं बनेगी। जैसे मैं आपको एग्जाम के लिए भाई अब ये डॉल्फिन की डिजाइन आपको दिख रही है, इसके अंदर आप क्या करोगे, अगर किसी स्टेयर केस के नीचे अगर आपका बाथरूम है ना, तो ये कभी सेट नहीं होगी, क्योंकि ये हाईलाइटर अलग है, ये हाईलाइटर अलग है। हो सकता है लाइट डार्क तो आपको सेट हो जाए, लेकिन जब भी आप टाइल्स परचेस करते हो तो फिर स्टेयर केस के नीचे हैं तो आपको ये जो हाईलाइटर हैं वो या तो अधिक परचेस करने पड़ेंगे, क्योंकि कटिंग बहुत ज़्यादा यूज होती है और फिर वो कटिंग आपके लिए काम नहीं आती है। आपने हो सकता है 10 बॉक्स लिए तो 2 बॉक्स की कटिंग निकल जाएगी, जो वेस्ट रहेगा आपके लिए कोई काम नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे इस प्रकार की टाइल्स ली तो आपको कोई एक प्लेन टाइल पसंद करें, जैसे ये प्लेन ले लिया, एक बॉक्स में 5 पीस और 9 फीट एरिया कवर होता है, 6 पीस और 9 फीट एरिया कवर होता है, तो आप बॉक्स निकाल लें, 6 बॉक्स चाहिए तो आप 6 बॉक्स लें, ताकि अगर बीच में से अगर कटिंग भी हुई तो वो आगे काम आएगी आपके। तो इस प्रकार से आप टाइल्स की फिटिंग करते रहें। इसमें देखिए अलग अलग, ये आप अलग अलग शॉप पर अलग अलग डिज़ाइन आपको उपलब्ध मिलेगी। तो आप इस प्रकार से, मैंने जैसे बोला, आप इसी प्रकार से सेट कर सकते हैं। बाथरूम अगर आपका 7 फीट का हो तो आप पूरे डिजाइन सहित आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्टेयरकेस के नीचे अगर आपका बाथरूम हो तो आपको किसी प्रकार की एक ही कलर में आपको टाइल्स लेनी चाहिए, ताकि आपको वेस्ट भी ना पड़े और कम बजट में आपका काम सेट हो जाए। मेरे हिसाब से कम 7 फीट तो आपको टाइल्स बाथरूम की आपको लगाना ही लगाना चाहिए, क्योंकि आप 3 फीट तक लगाते हैं, फिर 3 फीट पे आप देखा होगा ऊपर दीवार के ऊपर पानी के छींटे हो, या फिर हाथ लगने से दीवार अगर खराब हो जाती है तो वो किसी भी कीमत पर सही नहीं होती है, सिवाय आपको कलर करवाए, सिवाय वो सही नहीं होगी। अगर आपने 7 फीट 8 फीट तक टाइल्स लगाई हैं, कभी खराब भी हुई, तो आजकल तो आपने देखे होंगे ऐसे बहुत से लिक्विड आते हैं टाइल्स क्लीनर की सफाई करने के लिए, आपने स्प्रे किया और गीले भटके से अगर पोछे से साफ किया तो भी इजी क्लीन आप सफे हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर आपने टाइल्स नहीं लगवाई और दीवार खराब हो जाती है तो कलर के सिवाय आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं, कोई उपाय नहीं। इसलिए मेरे हिसाब से आप टॉयलेट और बाथरूम में जब भी टाइल्स लगवाओ, टाइल्स की हाइट तक, पूरी हाइट तक टाइल्स लगाएं, क्योंकि उसके अंदर सफाई करने में बहुत ज़्यादा ईजी है। बाथरूम की और टॉयलेट की फ्लोरिंग में हमेशा टाइल्स लगाएं। बाथरूम की अगर फ्लोरिंग में आपने मार्बल लगा दिया, शहर में तो टाइल्स कंपलसरी लगाते हैं, लेकिन हम जब गांव में जाते हैं, मैं प्रॉपर गांव से हूं, तो यहां पर क्या होता है, पैर खिसकने के डर से लोग यूं सब तो मार्बल लगा देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मार्बल हर चीज़ एब्जॉर्ब करता है। अगर आप बाथरूम में अगर मार्बल लगाते हैं तो वो पानी धीरे धीरे एब्जॉर्ब करके पास के जो एरिया है वहाँ सीलन पैदा करेगा, और आप एक कन्फ्यूज रहोगे कि कहाँ से लीकेज है, जबकि एक्चुअल में बाथरूम लीकेज नहीं रहता है, लेकिन वो जो मार्बल पानी एब्जॉर्ब करता है वो समय के साथ बाहर निकलता है, फिर उसकी सीलन आती है बाथरूम की दीवार पर, फिर आपने पुट्टी वुट्टी करवा रखी कलर, तो वो निकल जाता है। इसलिए फ्लोरिंग में भी आप टाइल्स लगाएं,
बारह बाई बारह की आती है, दो बाई दो आती है, जैसा भी आपका बाथरूम है सफिशियंट लगाएं, जैसा कि साइज के हिसाब से, वेस्ट ना पड़े इस हिसाब से। और लेटरिंग में भी आप कंपलसरी, क्योंकि जब आप सफाई करोगे ना, अगर आप पत्थर लगाए, कौन सा लिक्विड अगर आपने डाला तो वहां से छेद करेगा छोटे छोटे और पत्थर को खराब करेगा, इसलिए आप टाइल्स कंपलसरी लगाएं। ये था एक बेसिक जानकारी, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। अगर आपने बाथरूम बनाया तो, अगर नहीं बनाया तो ये वीडियो देखकर आपको आप एक आइडिया ले सकते हैं किस प्रकार की अपने बाथरूम में। वीडियो में किस प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। मिलते हैं आने वाले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय जय राजस्थान, वंदे मातरम।